2024 के रन में आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि 2024 की जंग के लिए आज रणभेरी बजने वाली है, जिसके बाद सभी योद्धा चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। बड़ी खबर ये, आपसे ठीक 3 घंटे के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें चुनाव आयोग ये बता देगी कि देश में कितने चरणों में चुनाव होंगे, किस राज्य में कब वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जिन 4 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं, उसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें बीच में तो आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं 2 तस्वीरें आप देखें जरा लेफ्ट और राइट। एक तरफ कैंपेन है मोदी के परिवार का, मोदी का परिवार कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस का थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जहां मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन की शुरुआत की, कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन साउथ पर हैं, वो आज तेलंगाना और कर्नाटक में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रही है। आपको जानकारी दे दें, 14 मार्च को ही 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु की नियुक्ति की गई थी और 15 मार्च को दोनों ने कार्यभार संभाला था और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। आज की इम्पोर्टेंस का कुछ भी सर आप दो आज तो इम्पोर्टेंट है, देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से जी, तो वहीं बात करेंगे आपसे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। ऐसा नहीं है, ये कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, इंडिया टीवी में बातचीत के दौरान हो, सीएए के खिलाफ उन्होंने हमेशा अपना स्टैंड रखा है और अब सीएए को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसा नहीं है कि सीएए के खिलाफ ये एकमात्र चुनौती इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे कई सारे और मामले भी हैं। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि ये अलोकतांत्रिक है, ये गैर संवैधानिक है। हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले शोएब रजा आपके पास आते हुए, असदुद्दीन ओवैसी ने जैसा कि स्टैंड हमेशा अपना रखा है, आज उन्होंने इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। बिल्कुल, देखिए पहले से ही करीब 150 से ज्यादा जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लंबी थे, इस मामले में सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब जो असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं और हमें जो याचिका में कुछ पॉइंट्स नजर आए वो एनआरसी से जोड़ते हुए इसको दिख रहे हैं कि सीए के बाद सीधा एनआरसी आएगा और ये मुसलमानों को एक तरीके से बाहर जाने के लिए या तमाम जो चीजें हैं जिस तरह से ओवैसी कहते रहे हैं उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। एक बड़ी बात शुरुआत से हम देखते रहे कि 4 साल पहले जब हम इस पूरे मामले पर देख रहे थे संसद में भी, तब भी ओवैसी इसकी मुखालफत करते थे और उसके बाद भी और अभी भी जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से ही लगातार देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस बारे में बोल रहे हैं और अब वो कोर्ट भी पहुंचे हैं। सीधे तौर पर जो सीए को एनआरसी से जोड़कर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये पहले सीए आया है उसके बाद एनसीआर और एनआरसी आएगा और फिर जो मुसलमानों के अलावा जितने भी यहाँ रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी की वो जिस बिरादरी के लिए जिस समुदाय के नाम की पॉलिटिक्स करते हैं उन्हें वो आगे रखते हुए इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अमित शाह पहले ही ये क्लियर कर चुके हैं सीएए का किसी धर्म से यानी कि भारत के मुसलमानों से कोई कनेक्शन नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे ना असदुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। NPR और NRC
आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआरसी कराओ, 1600 करोड़ रुपए खर्च का किए करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत एनआरसी हुआ आसाम में। 19 लाख लोग के नाम नहीं आए, कितने 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया और उनकी चिंताएं भी सुन ली, लेकिन सबसे बड़ा अगर कहें कि कुंभ राजनीति का शुरू होने जा रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त हलचल है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की चर्चा आखिरी चरण में है। दक्षिण मुंबई सीट पर एमएनएस का उम्मीदवार दिए जाने की मांग राज ठाकरे की तरफ से है। राज ठाकरे की मांग पर बीजेपी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। हमारे सहयोगी सचिन इस खबर पर जुड़ गए हैं। सचिन, राज ठाकरे के साथ क्या अलायंस हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो शर्तें क्या है? देखिए, इसके पहले भी बीजेपी के नेता, चाहे फिर देवेंद्र फडणवीस हो, फिर आशीष शेलार हो, या फिर दूसरे नेता हो, वो राज ठाकरे से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री से भी जो है राज ठाकरे की मुलाकातें हो चुकी है। अलायंस को लेकर राज ठाकरे जो है इंडिया अलायंस में लेने को लेकर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राज ठाकरे की जो विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा उन्होंने अपनाई है, और कहीं ना कहीं जो मराठी का एक मुद्दा था वो पीछे छूटता चला जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि हमारी विचारधारा लगभग सही है, वो भी बाला साहब के विचारों पर आगे चल रहे हैं, तो उन्हें लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उचित समय पर फैसला होगा, ये बीजेपी की तरफ से हमेशा बयान आए हैं, उन्होंने इस बात को इनकारा नहीं है। जो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राज ठाकरे को बीजेपी एक से एक सीट देना चाहती है, लेकिन वो बीजेपी के सिंबल पर अड़े, ये बीजेपी की शर्त है। लेकिन राज ठाकरे जो है इस शर्त पर जो है अभी तक सहमति उनकी नहीं है। उनका कहना है कि उनका जो चुनाव चिन्ह है इंजन, रेल इंजन, उस पर वो चुनाव लड़ा जाए, उसको लेकर बात और गतिरोध अभी भी बना हुआ है। हालांकि सीट दक्षिण मुंबई की होगी, या फिर जहां पर राज ठाकरे का होल्ड है, चाहे फिर वो ठाणे की सीट हो, या फिर पुणे हो, जहां पर वसंत मोरे जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, वो सीट हो, इसको लेकर अभी बातचीत जारी है। लेकिन इतना तय है कि राज ठाकरे एनडीए के साथ जरूर है। इसका ऐलान कभी करना है, ये एनडीए तय होगा जब ये गतिरोध खत्म हो जाएगा। जी मीनाक्षी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन आज बात होने जा रही है उस जंग की, डेट शीट की, जो ठीक 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से रखी जाएगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जंग की डेट शीट की हम बात कर रहे हैं, हमने देखा पिछली मर्तबा 7 चरणों में चुनाव करवाए गए, इस बार चर्चाएं ये भी है, क्या इसे और थोड़ा शॉर्टन किया जाएगा? कोशिश ये चुनाव आयोग की जरूर हमेशा ही रहती है। 2014 में आप देखें तो 9 चरण में चुनाव हुए थे, तो 14 के बाद 19 का जब आया तो उसको 7 चरण में किया गया, एक बार फिर से उसके बाद ये कोशिश थी कि क्या इसको और कम किया जा सकता है। चुनाव आयोग के कई सारे सोर्सेज ने कहा कि वो लोग तो लगातार इस पक्ष में रहते हैं कि कम से कम फेजेज में चुनाव हो, 4 से 5 फेज में अगर चुनाव करा दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन एक बड़ा मसला ये रहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट को लेकर, और भारत जैसे बड़े देश में एक छोर से दूसरे छोर पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट करना हो, इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेज को लगाया जाता है, तो वो एक आसान काम नहीं होता। लॉजिस्टिकली सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग किस नतीजे पर पहुंचा है, लेकिन चुनाव आयोग के भीतर ये मंशा जरूर रहती है कि हमेशा से ही कि कम से कम फेजेज में चुनाव कराया जाए, और इस बार भी ये कोशिश की गई थी। देखना होगा कि अब 7 फेज में ही होता है या कुछ कम कराने में चुनाव आयोग सफल हो पाता है। लेकिन इस समस्या जो थी वो सिर्फ लॉजिस्टिक की थी, सिक्योरिटी के मामले में। जी विजय लक्ष्मी, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एनडीए है, वो तो ये कह रहे हैं कि हैट्रिक कंफर्म है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है, इनकी रणनीति क्या है अब? देखिए, इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं और खासतौर से कांग्रेस पार्टी मानती है कि एक बड़ा रिजेंटमेंट है ग्राउंड पे, एक अंडर करंट है जो दिखने में नहीं आ रहा है। कई नेता तो कहते हैं कि इंडिया शाइनिंग होने जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और जो तमाम घटक दल हैं वो कहते हैं कि बेरोजगारी के मसले पर, इसके अलावा महंगाई के मसले पर सरकार बैकफुट पर है, और इन्हीं मसले पर जनता का रोष है, इसलिए 2024 में उनके नंबर्स जो हैं वो
पिछली बार से ज्यादा होंगे। बहरहाल विपक्ष है, कुछ तो उनको कहना है, लेकिन रणनीति के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है कि मजबूत उम्मीदवारों को हर सीट पर जो है जहां तक भी वो उतार सकती है। हालांकि बड़े चेहरों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है कांग्रेस पार्टी की, और जो पहली दो लिस्टें आई उसमें कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं दिखे, लेकिन कांग्रेस की कोशिश यही है कि चुनाव जो है वो इंडिया अलायंस के घटक दलों से बातचीत करके एक फॉर्मिडेबल अलायंस, जहां पर भी अलायंस हो रहा है वहां पर फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतारे जा सके, जिस तरह से पहले कहा था, क्योंकि इंडिया अलायंस की बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर नहीं पहुँच पाई, पहले डिसाइड हुआ, कई स्टेट्स में अलायंस हो गए, तो काफ़ी अगर हम कहें तो रणनीति जो है वो बड़ी डिसरे टाइप लग रही है। लेकिन देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आज जिस तरह से देवेंद्र ने भी बताया कि चुनाव आयोग कोशिश जरूर करता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक काफ़ी टफ टेरेन्स होते हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट और तमाम, तो देखना होगा कि आज क्या पिछले चरण जितने ही चरण होंगे या कुछ बढ़ेगा या कुछ घटेगा। जी रुचि, ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, 80 सीटों पर सबकी निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हलचल आप देख रहे हैं? बीजेपी तो देखिए बड़ी श्योर है अपने अलायंस पार्टनर्स को भी लेकर, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है? देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे तो सबके अपने अपने दावे हैं। अब कांग्रेस जिसको गठबंधन में 17 सीट मिली है, हालांकि अभी उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है, उनके भी दावे हैं कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। जैसे गोंडा है, वो कुछ और ऐसे जिले हैं जहाँ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी नहीं है, बूथ में वर्कर्स नहीं है, तो कांग्रेस यहाँ भले कहे उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है कांग्रेस। अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि हमने ज़्यादातर लोकसभा सीट्स पे ट्रेनिंग कैंप्स लगा लिए हैं, सभी लोकसभा सीट्स हैं उनके लोगों से लगातार अखिलेश यादव की मीटिंग चल रही है, यहाँ तक कि जो 17 सीट्स कांग्रेस को दी है उसमें भी कांग्रेस के लोगों को पार्टी ऑफिस में बुलाया गया था, अजय राय भी आए थे, अविनाश पांडे जो यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे, उनका कहना है कि उस पर भी हमने रणनीति बना दी है। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। अब आप देखिए 51 सीट्स का ऐलान अभी तक बीजेपी ने यूपी में 80 सीट्स में किया है, उसमें 44 पुराने एमपीज को टिकट दे दिया है, तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है बीजेपी का, और 3 हारे हुए सांसदों को भी टिकट दिया है। अब बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह भी है, पीएम मोदी का चेहरा है, मोदी की गारंटी है, योगी सरकार के काम है, साथ में राम मंदिर है, और सबसे बड़ी बात जो लाभार्थी है यहाँ पर करीब 15 करोड़ लोगों को राशन अब तक मिल चुका है, करीब 51 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा चुके हैं, 2.25 करोड़ लोगों को उज्ज्वला स्कीम में फायदा पहुंचा है, तो इस तरह से जो केंद्र और प्रदेश की तमाम योजनाएं हैं उसका जो फायदा लोगों तक पहुंच रहा है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि ये जो लाभार्थी हैं वो उनको फायदा जरूर पहुंचाएंगे, और साथ में जिस तरह से कास्ट इक्वेशंस है उनको जिस तरह से बीजेपी ने यूपी में सांधा है, तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ी कामयाबी इस बार भी मिलने वाली है। जी मीनाक्षी जी, सचिन, और बात अगर महाराष्ट्र की कर ली जाए तो यहाँ पे अलायंस पार्टनर्स को लेकर तो अब कोई बहुत कंफ्यूजन रह नहीं गया, लेकिन सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। जी मीनाक्षी, यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर 48 सीटें हैं लोकसभा की। बीजेपी और एनडीए कहीं ना कहीं दो कदम आगे दिख रहा है, जो एमबीए या इंडिया अलायंस है उससे आगे दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो है अपनी जो पिछले बार उन्होंने जो 25 सीटें लड़ी थी उसमें से करीबन 20 सीटों का ऐलान कर दिया है, 13 जो है उम्मीदवारों को उन्होंने कायम रखा है, जबकि 7 जगह पर नए चेहरे दिए हैं, जिसमें पीयूष गोयल से लेकर पंकजा मुंडे जैसे बड़े कद्दावर चेहरे दिए उन्होंने दिए हैं। तो बीजेपी की तैयारी जो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है उनमें कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है, हालांकि कुछ सीटों को लेकर उम्मीदवार किसको देना है, किस सीट को एक्सचेंज करना है, उसको लेकर एक अंतिम बैठक होगी। 80% काम जो है वो एनडीए का यानी कि महायुति का हो गया है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी तक जो कल बैठक हुई उसमें जो हमें जानकारी मिली कि 42 सीटों पर करीबन सहमति बन गई है, अभी भी 5 से 6 सीटों पर गतिरोध बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी जिसने पिछले चुनाव में 6-7% वोट लिए थे और 13 सीटों का नुकसान पहुंचा था इंडी गठबंधन को, यूपीए को, वो अभी भी आने के लिए तैयार नहीं है यूपीए के साथ, इंडी गठबंधन के साथ, तो कहीं ना कहीं वहां पर गतिरोध फंसा हुआ है, जिसको लेकर एक बड़ी टेंशन इंडिया अलायंस में और यूपीए में जरूर दिखाई दे रही है। खबर तो बिहार से भी बड़ी दिलचस्प आ रही है, नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, लालू यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका वार जो है
सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो कैंपेन है वो पूरा मोदी के परिवार पर आधारित है बीजेपी का। जी हाँ बिल्कुल, लालू यादव ने कहें कि एक तरह से एक बड़ा मौका दे दिया है। और देखिए जिस रैली में लालू यादव ने सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला किया कि उनका परिवार नहीं है इसलिए वो हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, और वहीं से एक मुद्दा मिल गया, एक बड़ा मुद्दा। पिछले चुनाव में हमने देखा किस तरह से कांग्रेस की तरफ से कुछ कुछ मुद्दे थमाए गए, तो इस बार शायद लालू यादव ने ये मौका दे दिया है। और उसके बाद लगातार मोदी का परिवार एक कैंपेन बन गया है और आज उस पर एक सॉन्ग भी लॉन्च हुआ, तो हर जगह अब रैलियों में भी जो है ये तस्वीरें, ये कटआउट, ये नारे जो है अब दिखाई दे रहे हैं, और निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी। और नीतीश, एक और बड़ी पॉलिटिकल खबर तो ये भी है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान का कद एनडीए में बड़ा बन रहा है,